थर्ड चैप्टर का अगला टॉपिक है बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनंत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। तो जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है उसको बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। तो इसको बनाने में बहुत से पत्थर लगाए गए हैं, संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया और कांसे में ढालकर इसको आकार दिया गया है। तो जो ये प्रतिमा है वो क्या है, भारतीयों के समस्त आत्मा के जो विचार है या कम से कम जो उनके विचारों का या जो उनकी आत्मा है उसका जो तेजस्वी पक्ष है, सबसे अच्छा पक्ष है, उसका प्रतीक है ये। तो जो ये कमल पर बैठे हुए हैं गौतम बुद्ध, बहुत ही शांत और अधीर नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही धैर्य के साथ बैठे हुए हैं और जिन्हों वासनाओं और लालसाओं से परे हैं और जो संसार के तूफानों और संघर्षों से इतना दूर दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है इनको पाना बहुत असंभव हो। लेकिन जब हम उनको दोबारा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो आकृति है वो जो जीवन शक्ति से भरी हुई है, इनमें बहुत अधिक जीने की शक्ति है। तो इतने अधिक युग बीत गए लेकिन हमें ऐसा लगता है जो गौतम बुद्ध है वो भी हमसे अभी दूर नहीं है, हमारे पास ही, हमारे आसपास है, बहुत दूर नहीं मालूम होते। तो उनकी जो वाणी है वो हमारे कान में ऐसा लगता है जैसे कुछ कह रही हो, और ऐसा लगता है वो कह रहे हो जैसे हमें संघर्ष से नहीं भागना चाहिए बल्कि हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आती हैं उनका बहुत ही डटकर मुकाबला करना चाहिए और हमें बड़े बड़े अवसर देखने चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जो बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। तो हम जब बुद्ध के बारे में सोचते हैं आज भी तो हमें ऐसा लगता है कि वो कोई जीते जागती इंसान हो, वो कोई आज भी हमारे साथ जीवित हो, और बहुत ही हमारे अंदर क्या होता है, थरथराहट पैदा करने वाली, कपकपा देने वाली अनुभूति होती है। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। तो जिस राष्ट्र ने इतने अच्छे इंसान को जन्म दिया है तो वो राष्ट्र और जो जाति है बहुत ही समझदार होगी और उसकी जो आंतरिक शक्ति, उसके पास कोई ऐसा गहरा खजाना होगा जिसने कि ऐसे अच्छे इंसान को जन्म दिया, ऐसे भव्य आदर्श वाले इंसान को जन्म दिया।